5 जून 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम कई सारे एस्पिरेंट्स ने दिया होगा। हो सकता है कि किसी को सरल लगा हो तो किसी को कठिन लगा हो। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी सब्जेक्ट वेज और करेंट अफेयर वेज थे। सब्जेक्ट वेज की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे तो कुछ तो डायरेक्ट बुक से ही था, टॉपिक से था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा तो उसके बाद आप दिमाग लगा सकते हैं, उसके बाद ही आप उस सवाल का जवाब दे पाएंगी। बात करें करेंट अफेयर की तो करेंट अफेयर के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसके बाद ही उसका जवाब दे पाएंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन उठाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आप सभी घटनाओं के बारे में जान पाएंगे। इसीलिए ऐसे एस्पिरेंट जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं लेकिन वो लोग डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़पेपर डेली जरूर पढ़ें। अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में और पूरे विश्व स्तर पर सभी घटनाओं की जानकारी आपको डेली के न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 5 जून 2022 को प्रीलिम्स में पहले पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप पूरे पेपर को देख सकते हैं, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट बुक से पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बुक पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बाद ही आप जवाब दे पाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक की कई सारी चीज़ें याद भी करनी है और कई सारी चीज़ें आपको समझनी है और एक दूसरे के साथ जोड़नी है ताकि आप समझ पाएं कि आज के टाइम पर उसका क्या यूज है।